हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री। क्लास 10 सीबीएसई का हिस्ट्री लिया हमने, चैप्टर 1 है ये, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके जो क्लास 10 की एनसीईआरटी है उसमें एक फिगर दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कभी कभी आपसे फिगर पे इस क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, तो उस जो फिगर दिया हुआ है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की एक ड्रीम देखी गई थी, उस ड्रीम को विजुअलाइज किया गया है उस पिक्चर में। ठीक है, उस पिक्चर को किसने प्रिपेयर किया था, वो आर्टिस्ट कौन था, इट वॉज फ्रेडरिक सॉरिव। और इसको कब प्रिपेयर किया गया था, 1848 में। आपको ध्यान में ये रखना है कि जब ये पिक्चर प्रिपेयर किया गया था उसके पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था। ठीक है, और फिर से नेपोलियन बोनापार्टा की अदर मोनार्क से एक वॉर हुई थी और उसके बाद फिर से फ्रेंच में क्या आ गया, मोनार्की डेवलप हो गया। ओके, मतलब एक बार रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, वहां पे थोड़ा सा नेशनलिज्म राइज हुआ और उसके बाद फिर से फ्रेंच में मोनार्की आ गई। ओके, नेपोलियन बोनापार्टा जब हार गया था बैटल उसके बाद। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है पॉइंट को कि ये सब काम 1848 के पहले हो चुका था। ठीक है, उसके बाद का ये एक पिक्चर डेवलप किया गया है, ये बनाया है और फ्रेडरिक सॉरी ने, और उसमें ये दिखाया गया है कि वर्ल्ड वाइड मतलब सिर्फ और सिर्फ यूरोप में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक सोशल रिपब्लिक होना चाहिए जिसमें हम पीपल्स की बात करें। ठीक है, पीपल्स डिसीजन लें, कोई एक मोनार्क डिसीजन ना ले। ठीक है, और इसके लिए ये पिक्चर विजुलाइज किया गया है। मैं उस पिक्चर को दिखाती हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि कभी कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये वो पिक्चर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसमें आइडिया क्या था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, देखो इस पिक्चर में ये था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के आगे लोग एक क्यू बना के, एक लाइन बना के, जो वहां के पीपल थे, मतलब जो इस पिक्चर में मेनली दिखाया गया है कि पीपल्स वहां के एक क्यू बना के वहां पे जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे बो कर रहे हैं, मतलब झुक रहे हैं। ठीक है, और आगे मूव करते जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि हमें एक यूनिटी चाहिए। ठीक है, हमें वर्ल्ड वाइड एक यूनिटी चाहिए और वहां पे कैसा रिफॉर्म होना चाहिए, सोशल रिपब्लिक्स का रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पिक्चर का जो ये वाला एरिया, इसमें तो आप एक क्विव देख लिए और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने लोग बो कर रहे हैं, और ऊपर जो पिक्चर का दिखाया गया है दैट इज जीसस क्राइस्ट और बहुत सारे एंजल्स को दिखाया गया है, मीन्स गॉड को रिप्रेजेंट किया गया है कि जो गॉड है वो भी नेशनलिज्म के लिए बहुत हैप्पी है और वो भी चाहते हैं कि वर्ल्ड में एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, और इसलिए वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर उस टाइम पे नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हुए और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए रिप्रेजेंट किया था फ्रेडरिक सोरे ने। ठीक है, अब ये तो वो पिक्चर की बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज नेशन। अब नेशनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेशन हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो उस टाइम की जो थिंकिंग थी वो कुछ ऐसी थी, जो कॉमन पीपल सोचते थे, जो कॉमन थिंकिंग थी वो ऐसी थी कि एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, एक कॉमन रेस होना चाहिए, कॉमन रिलीजन के लोग रहते हो और कॉमन टेरिटरी हो, उसको हम बोलेंगे नेशन। ठीक है, लेकिन एक्चुअली एक प्रोफेसर थे, फ्रेंच प्रोफेसर थे, उन्होंने डिफाइन किया था, अर्नस्ट रेनन उनका नाम था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज एक्चुअली नेशन मींस। ठीक है ना, नेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसको वो ये कहते थे कि जो कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी, ये किसी एक नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नेशन का कॉन्सेप्ट इससे बहुत वाइड है और उसे हमें समझने की बहुत ही ज़्यादा नीड है, तभी हम एक्चुअली में पीपल्स रूल या फिर डेमोक्रेसी की बात कर पाएंगे, जब हम एक नेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अर्ज ने क्या एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऐसे रीजन को या फिर ऐसे प्लेस में ऐसे लोगों को हम एक नेशन के लोग बोलेंगे जिनकी एक कॉमन ग्लोरी हो पास्ट में, मतलब पास्ट में जो भी उन्होंने किया है उसके लिए वो उसकी विक्ट्री को वो एक साथ सेलिब्रेट करते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अलग सेलिब्रेशन कर रहे हो, कुछ लोग अलग चीज़ों पर सेलिब्रेट कर रहे हो, सबके जो सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और कॉमन विल इन द प्रेजेंट, उनके प्रेजेंट की जो विल है वो भी कॉमन होना चाहिए, आज वो लोग क्या चाहते हैं, सबकी एक यूनिटी में राय होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सबका राय डिफरेंट डिफरेंशिएट होता हो या फिर सबकी अलग अलग थिंकिंग हो। ठीक है, उसके बाद कॉमन विल के साथ साथ फ्यूचर में भी उनकी जो थिंकिंग हो, उनके विल हो, वो उनके मैच करने चाहिए। ठीक है ना, उनकी जो थिंकिंग हो एक दूसरे से मैच करने चाहिए। ओके, इसके अलावा उन्होंने जो भी काम किया हो उसके लिए
एक साथ यूनिटी में काम किया हो, परफॉर्म ग्रेट डेड टुगेदर, ठीक है, और जो डेड हो वो नोबल डेड हो, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे काम हो जिसके लिए वो इस समय पछता रहे, या फिर कुछ ऐसा जो नोबल ना हो, ठीक है ना, तो एक नोबल डेड होना चाहिए। अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, लोगों के जो वहाँ के पीपल है या फिर जो वो यूनियन है उनके बीच में सॉलिडेरिटी होनी चाहिए, मतलब यूनिटी डिफाइन करती हो, ठीक है ना। इसके अलावा प्लेबिसिट का मतलब होता है, मतलब कि रोज रोज अगर किसी चीज पे वोटिंग की जाए या फिर उन किसी चीज के लिए हम मतलब लोगों की राय मांगे तो एक यूनिटी में आनी चाहिए वोट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्लेबिसिट। नेवर हैज मेनी एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। किसी भी नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट वाली कंट्री का कोई ऐसा रियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि वो किसी कंट्री को एनेक्स करे उस कंट्री के विल के अगेंस्ट जाके, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप किसी कंट्री को एनेक्स कर रहे हो, किसी कंट्री पे वॉर कर रहे हो या किसी कंट्री को अपनी कंट्री में मिक्स्ड कर रहे हो तो उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उस कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती आप वो काम कर रहे हो, तो ये कभी भी एक नेशन को डिफाइन नहीं करता है। ये नेशन की मतलब रूल में कभी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी की कंट्री को जबरदस्ती लैप्स कर लो या फिर एनेक्स कर लो, ओके। ये सारे पॉइंट्स अर्ल सेनन ने डिफाइन किए थे कि नेशन का मतलब क्या होता है, और एक्चुअली दीज आर दी पॉइंट्स जो नेशनलिज्म और नेशन की कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म या फिर व्हाट इज नेशन, नेशन हाउ कैन यू डिफाइन इट, तो आप यू कैन कोट इट ऑन सेनन एंड यू कैन राइट दिस थिंग्स विच एक्चुअली मीन्स द नेशन और नेशनलिज्म, ओके। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, फिर द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, फिर हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, फिर हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। मतलब क्या है सबका, एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लो, फिर हम डिटेल में एक एक टॉपिक्स उठाएंगे। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, सबसे पहले कब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और वहां से एक बार आइडिया नेशन का डेवलप हुआ था, ठीक है। तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से जो नेशन का कॉन्सेप्ट है फिर खत्म हो गया और फिर वहां पे मोनार्की आ गई, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर हम देखेंगे कि जो यूरोप के पीपल थे, अभी तक तो सिर्फ फ्रेंच में हुआ था, फिर वहां के अलग अलग जो स्टेट्स थे, कंट्रीज थी, रीजन था अलग अलग, वहां पे नेशनलिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वहां के लोगों ने नेशनलिज्म को कैसे अडॉप्ट किया, ठीक है। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। देखो, जब भी कोई मेजर चेंज होता है तो कोई एक रिवॉल्यूशन फेज जरूर आता है, ठीक है ना। मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं कि एक मोनार्क से सीधे सीधे आप किसी कंट्री को मोनार्क से डेमोक्रेटिक कंट्री बना दो और वहां के लोग एक्सेप्ट कर लें या फिर वहां का जो मोनार्क सिस्टम है वो एक्सेप्ट कर लें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा फेज होना चाहिए जिसमें लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की जाए, ठीक है, थिंकिंग्स डेवलप की जाए, फ्री होने की, इक्वालिटी के मायने बताए जाए उनको, तभी पॉसिबल है एक रिवॉल्यूशन। तो हमेशा ही कोई ट्रांजिशन फेज आता है, तो वो ट्रांजिशन फेज यूरोप में कब रहा, 1830 to 1848 के बीच में, और इस दिन 1848 का जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद ही रियल जो नेशनलिज्म डेवलप हुई थी या फिर रियल जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेवलप हुई थी फ्रांस सॉरी यूरोप में, इसके बाद ही देखने को मिला 1848 के बाद। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसके बाद दो कंट्रीज बनी, जर्मनी और इटली, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या फेल्यूअर्स थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको अदर कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, ठीक है। फिर विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, अब जब एक नेशन का कॉन्सेप्ट आया तो उसको हमने विजुअलाइज कैसे किया, मतलब उसको हमने देखा कैसे, उसको कैसे हमें फील करना है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप करनी है, ये सब हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन में। फिर जो लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। अब उसी टाइम पे जो ब्रिटेन था, मतलब एक वो भी एक यूरोपियन कंट्री है, फ्रेंच पोर्टुगीज जो ये सब कंट्रीज थे, ये लोग कॉलोनी रूल कर रहे थे अदर अदर कंट्रीज पे, लाइक ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप कॉलोनियल रूल करो, ठीक है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि वो लोग नेशनलिज्म तो चाहते थे बट वो लोग खुद ही
कॉलोनी बनाते थे, और ये एक आइडिया नहीं है नेशनलिज्म का, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, देखो अब हम डिटेल में देख रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट था उसको हम डिटेल में देख रहे हैं। देखो इसमें क्या है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1789 में, डेट आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का इन यूरोप, मतलब यूरोप में इसके पहले कोई भी नेशनलिज्म के लिए राइज वॉइस राइज नहीं किया था। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसमें डिमांड क्या थी लोगों की, अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की, जो मोनार्क रूल है, जो किंग का रूल है, उसे खत्म करना, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना। ठीक है, ये डिमांड थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ठीक है, वन मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, एक तो डेट याद रखना है, दूसरा डिमांड याद रखना है, और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था यूरोप में नेशनलिज्म का, ये भी याद रखना है। ठीक है, आप चाहो तो इन सारे पॉइंट्स का एक नोट्स बना लेना, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और इसके बाद एनसीईआरटी को आप रीड करोगे तो आपको एनसीईआरटी थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के। ठीक है ना, ओके, तो हम ये देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था और क्या क्या डिमांड्स थी। अब जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो कौन कौन से चेंजेस आए, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। हम पढ़ेंगे चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले तो ला पैट्री एंड ले सेट्योन, मतलब ला पैट्री एक फ्रेंच लैंग्वेज है जिसमें लिखा, जिसका मतलब होता है द फादर लैंड, और ले सेट्योन का मतलब होता है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, इम्फोसाइज यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स, मतलब वहाँ के लोगों और वहाँ के लैंड के लिए एक यूनाइटेड कम्युनिटी होनी चाहिए और सबकी एक इक्वल राइट्स होने चाहिए। ये डेवलप हुआ कब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है ना, 1789 के बाद। ठीक है, पावर जो था वो मोनार्क से कॉमन पीपल को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है ना, फिर सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, अब जब पावर ट्रांसफर किया गया, मोनार्क का रूल खत्म हुआ, तो एक न्यू फ्लैग और न्यू कैपिटल की इंपॉर्टेंस डेवलप हुई। ठीक है, उस तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, फिर वहाँ की एक नेशनल लैंग्वेज की डेवलप नीड हुई, जिसको उन्होंने फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज बना लिया। ठीक है, फिर न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ओथ टेकन, अब लोगों वहाँ के लोगों ने या फिर वहाँ के पर्टिकुलर पीपल्स ने ओथ लिए और एक न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया। ये सब मेजर चेंजेस थे ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आगे और भी हैं, देखते हैं। देखो उसके बाद क्या 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 किया गया, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाई कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली, मतलब जो वहाँ के कॉमन पीपल थे उनके द्वारा एक स्टेट जनरल चूज किया गया, क्योंकि अब तो किंग का रूल खत्म हो गया, तो अब कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो एक गवर्नमेंट चला सके उस कंट्री का, तो उसके लिए किसको चूज किया गया, स्टेट जनरल को। और स्टेट जनरल को इलेक्ट किसने किया, वहाँ के कॉमन पीपल ने। ठीक है, और एक नेशनल असेंबली जो थी उसको रीनेम कर दिया गया, क्योंकि अब किंग का रूल नहीं है, तो किंग के अकॉर्डिंग नेम नहीं होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग नेम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पीपल। ठीक है, फिर जो पहले वहाँ के जो अलग अलग प्रोविंसेस थे उनमें कोई भी चीज़ ट्रांसफर किया जाता था, कोई भी सामान एक्सचेंज किया जाता था, तो कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब ये पूरी एक कंट्री बन गई, वहाँ पे प्रोविंसेस थे वो अलग अलग तो रह नहीं गए, इसलिए वहाँ की जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हैं उनको उन्होंने खत्म कर दिया, अब किसी भी कस्टम ड्यूटी या फिर किसी भी टैक्स की नीड नहीं थी। ठीक है ना, अब जो एट्थ एंड लास्ट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय द फ्रेंच आर्मी, अब जो वहाँ पे रूल कर रहा था वो मेनली फ्रेंच का आर्मी रूल कर रहा था, तो उन्होंने जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको बाहर के प्लेसेस पे, जैसे कि इटली, जर्मनी और भी स्विट्जरलैंड, इन सब के प्लेसेस पे स्प्रेड करना स्टार्ट किया। क्या, द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ओके। बट इसी टाइम पे ये सब कॉन्सेप्ट जो था ऑलमोस्ट 10 ईयर तक चला, 1789 टू 1799, उसके बाद पॉलिटिकल सीज किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, और फिर से वहाँ पे एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्शंस या फिर लोगों के पावर्स को कर्टेल करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो अभी ये 10 ईयर ही हुआ था कि नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर को सीज कर लिया, तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि जो 1799, मतलब ठीक 10 ईयर बाद नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर को सीज कर लिया, और उसने कुछ रूल बनाए फ्रेंच पीपल के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो का, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं वो लोग, दैट इज
नेपोलियनिक कोड। अब इसमें दो पॉइंट थे, एक तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस थे और कुछ नेगेटिव चेंजेस थे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में देखते हैं कि क्या क्या नेपोलियन ने चेंजेस किए थे। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में हम देखें तो सबसे पहले तो इन्होंने इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिश किया था, और जो एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट था, मतलब वहाँ के जितने भी लोग हैं वो लॉ के सामने सभी के सब कैसे हैं, इक्वल हैं, इसको स्टेबलाइज किया था। ये एक पॉजिटिव चेंज था। दूसरा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी टू ऑल द सिटीजन्स, जो वहाँ के पीपल थे उन सारे पीपल्स को राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया, जो पहले नहीं था। पहले एक मोनार्क के अंदर में अंडर सारे पीपल थे और मोनार्क का ही मेन प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता था टाइम टू टाइम के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी मिला, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिस्ड। फ्यूडल मीन्स होता है जमींदारी। मैंने कुछ वर्ड्स को कोड करके लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको इजिली माइंड में उसकी मीनिंग पता हो। फ्यूडल सिस्टम मीन्स होता है जमींदारी। तो उस टाइम पे जो फ्यूडल सिस्टम था, जो जमींदारी सिस्टम था, उसको अबॉलिश किया, किसने, नेपोलियन ने, और ये भी एक पॉजिटिव चेंज था। फिर फ्रीड पीजन्स फ्रॉम सर्वडम, मतलब जो वहाँ के पीपल जो स्लेवरी में रहते थे, वहाँ के जो किसान, जो पीजेंट्स, जो फार्मर स्लेवरी में थे, उनको फ्री किया, ये भी एक पॉजिटिव चेंजेस था। जो नेक्स्ट चेंज था, दैट इज गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस तो जो थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के बीच में, कि आप ये नहीं ट्रेड कर सकते हो या फिर आप ये ट्रेड करोगे तो इतना टैक्स लगेगा, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को उसने रिमूव किया, किसने, नेपोलियन ने। तो ये भी एक नेपोलियनिक कोड का पॉजिटिव पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और इम्प्रूव्ड, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट और, हाँ, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को नेपोलियन बोनापार्ट ने इम्प्रूव किया था। जो पहले का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था, दैट वाज समवॉट वीक, और नेपोलियन के बाद जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो इम्प्रूव हुआ था। इसके बाद आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ सिविल और नेपोलियनिक कोड। जो नेपोलियनिक कोड था उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे, तो नेगेटिव पॉइंट्स थे सबसे पहले ये कि उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब जब पीपल का रूल है तो पीपल के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होना चाहिए टैक्सेस का, वाइल नेपोलियन ने अपने अकॉर्डिंग टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, जो एक नेगेटिव पॉइंट था। जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट था, दैट इज सेंसरशिप वर इम्पोज, प्रेस और अदर पार्ट चीज़ों पे सेंसरशिप लगा दिया गया था। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि जब भी आप सुप्रीम लीडर या फिर सुप्रीम कमांडर के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा या फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, तो आप उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है एक नेशनलिस्ट कंट्री का इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच आप यहाँ पे छीन ली गई थी, यहाँ पे सेंसरशिप करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्टॉप करने की कोशिश की गई थी, ठीक है, जो एक नेगेटिव पॉइंट था नेपोलियनिक कोड का। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट था वो था फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। नेपोलियन ने लोगों को फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था, और किसी भी एक रिपब्लिक कंट्री या फिर नेशनलिस्ट कंट्री में आप किसी भी लोगों किसी को भी उनके ऑक्यूपेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप यही ऑक्यूपेशन करो, आप आर्मी को ही ज्वाइन करो, दैट शुड बी देयर ओन चॉइस, ओके। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट था जो नेपोलियन के कोड में था, ठीक है ना। तो कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, कि उसने टैक्स इंक्रीज किया था, सेंसरशिप लगाई थी जिसकी वजह से लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थे या फिर फंडामेंटल राइट्स थे वो कर्टेल हुई थी वहां पे, ठीक है ना, लोगों की जो आज़ादी थी वो छीनने की कोशिश हुई थी, लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी जो हमारा हेड है उनका हेड है उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते थे, अगर कोई गलत चीज भी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था, फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया था। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो वहां के लोग हैं, जो फ्रेंच पीपल हैं, उन लोगों के अंदर भी इसकी वजह से नेगेटिविटी आ गई और जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो ब्रेक होने लगा। वाइल जो इसी टाइम पे जो अदर कॉलोनियल रूल्स थे या फिर अदर मोनार्क कंट्रीज थी, सारी कंट्री में तो नेशनलिज्म आया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच में आया था, तो फ्रेंच के अलावा जो अदर कंट्रीज थी जो मोनार्क था वो लोग भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट राइज हो, क्योंकि अगर फ्रेंच में आया है तो नेक्स्ट टाइम पे उनके कंट्री के जो पीपल है या फिर जो उनकी टेरिटरी के पीपल है वो भी डिमांड करने लगेंगे। इस वजह से वो लोग भी चाहते थे कि जो ये
नेशनलिज्म या फिर नेशन का रूल चल रहा है यहाँ पे, जो पीपल का रूल चल रहा है वो स्टॉप हो और वापस से मोनार्की डेवलप हो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो वहाँ के कुछ आसपास रीजन के यूरोप के कुछ मोनार्क किंग्स थे, वो लोग एक साथ मिलके नेपोलियन के साथ एक बैटल फाइट किए, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। और बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था? 1815 में। किसके किसके बीच में हुआ था? नेपोलियन और प्राप कंट्रीज के बीच में। प्राप कंट्रीज कौन कौन सी है? प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। फिर इसके बाद नेपोलियन ने एक ट्रीटी साइन की थी, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ क्या था एक्चुअली, कि नेपोलियन हार गया इस वॉर में, बैटल ऑफ वाटरलू में, और उसने ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंच कंट्री में, मतलब जो फ्रांस में जो पीपल का रूल था या फिर जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, वो फिर से खत्म हो गया। और वापस से जो वहाँ पे पहले किंग रूल करता था, जो बॉबन डायनेस्टी रूल करती थी, उसको रिस्टोर कर दिया गया। मीन्स कि एक बार नेशनलिज्म राइज हुआ, ठीक, उसके बाद कुछ दिनों तक चला, उसके बाद नेपोलियन ने कुछ सिविल कोड के थ्रू कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स सिटीजन्स को दिए, उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू हुआ और फिर से वहाँ पे मोनार्क कंट्री या फिर मोनार्की डेवलप हो गई। अब ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स थे। जिसमें बैटल ऑफ वाटरलू और ट्रीटी ऑफ वियना ये सब हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ये देखा जाएगा, देखते हैं हम स्टार्टिंग से फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। फ्रांस को कुछ मेजर चेंजेस जो है फ्रांस में, नेशनल एंथम आया, नेशनल फ्लैग डेवलप हुआ, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ मिला, ठीक है, और भी सारे राइट्स मिले उनको। फिर 1799 में नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर को सीज कर लिया और अपने अकॉर्डिंग वहां का रूल चलाने लगा, ठीक है। उसने फिर सिविल कोड दिया कब? 1804 में। आप डेट भी याद रखोगे, ठीक है ना, सारा सीक्वेंस है। फिर जब सिविल कोड दिया, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, तो उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद जो अदर कंट्रीज थी वहां के आसपास के यूरोप की कंट्रीज थी, वो ज्यादा हैप्पी नहीं थी इस रूल से, और वो चाहते थे कि ये जो कंट्री का रूल है, वो जो पीपल का रूल है, वो स्टॉप हो और वापस से मोनार्क आए, क्योंकि उसके अगल बगल के जितने भी कंट्रीज थे वो मोनार्क रूल वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ वाटरलू फोर्ट किया नेपोलियन के साथ प्राप कंट्री ने, और नेपोलियन हार गया और फिर से फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो गई, फिर से यहाँ पे मोनार्की आ गई। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और जिसमें हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है, और अदर जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।